मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर एडमिनिस्ट्रेशन नागौली। आज हम लोग मैथ्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड चार पांच क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 27। एक बच्चे को कहा गया किसी संख्या को 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, बट उस बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, ही मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 72। ठीक है, कहा गया उसको 27 से मल्टीप्लाई करना किसी संख्या को, वो क्या करता है 72 से मल्टीप्लाई करता है। उसको ऐसा समझ आता है कि भाई ये फिगर यहाँ रखनी है, ये फिगर रखनी है, गलती हो गई उसकी, 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स व्हाई हिज नंबर हिज आंसर इज 405 मोर देन द करेक्ट आंसर, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया। तो बताइए वह संख्या कौन सी है, वह नंबर कौन सा है, समझ रहे हैं बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है प्लस करना उतने टाइम। ठीक है, मान लीजिए आज मैं आपको 4 रुपीज देता हूं, देन 4 रुपीज, देन 4 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना होता है, 12 रुपीज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दिए 12, ये समझ रहे बात। अगर मान लो किसी व्यक्ति की जो सैलरी है 150 रुपए पर डे है, ठीक है, उसको 150 रुपए पर डे मिलता है, तो बताइए 30 डेज के बाद अगर 150 रुपए पूरा महीना मिलेगा तो 30 डेज के बाद उसके पास कितना पैसा होगा। तो आप इस केस में क्या करते हैं, उसको जमा करने के स्थान पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1500 रुपए, समझ रहे बात। इट मींस क्या है, मल्टीप्लाई मींस प्लस, ठीक है, प्लस मींस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मींस प्लस। ठीक है, तो यहां पे जो बताया गया है उस बच्चे को, भाई 27 से उसको संख्या को मल्टीप्लाई करना था, 27 बार उस संख्या को देना था। तो मान लीजिए संख्या x है, उसको 27 टाइम्स देते तो संख्या बढ़कर कितनी हो जाती, 27x हो जाती। बट उसने क्या करा, उस संख्या को 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण संख्या क्या हो गई, 72x हो गई। ठीक है, अभी 27 बार देना था, उसने 72 बार दे दिया, और ये आंसर, इस आंसर, इसकी वजह से क्या हुआ, आंसर 405 अधिक आया। ठीक है, यहां देखते हैं कितने टाइम अधिक हो गया, 72x माइनस 27x, तो ये बच्चों कितना हो जाता है, 45x आ जाता है, 45x। ठीक है, 45x आ गया। अब 45x क्या है, 45x का यानी मूल संख्या का 45 टाइम्स हमारे पास आ जाता है, तो 45 टाइम्स की वैल्यू क्या आता था, 405 बताता है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या है, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है इसके बीच में, और मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइडेड होता है, तो यहां ये डिवाइड में कन्वर्ट होता है, दैट विल बी 9। तो x की वैल्यू जो आती है बच्चों, ये आती है हमारे पास 9, समझ रहे बात। तो बस आपको क्या करना है, डिफरेंस से जो ये आंसर है इसको डिवाइड करना, भाई 27 बार देना था, 72 बार दे दिया, कितनी बार ज्यादा दिया, 405 ज्यादा दिया, और इनका डिफरेंस कितना है, 45 x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, समझ रहे बात। ठीक है, चलिए हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बना रखे हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, अभी देखिए मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, 20 सेकंड लग रहे हैं, अगले में क्या 10 सेकंड लगना चाहिए, फिर 5 सेकंड लगना चाहिए, देखते देखते आंसर कंप्यूटर में देखा सीधा क्लिक। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको हटा देता हूं, मैं कहता हूं किसी संख्या को, किसी बच्चे को कहा गया किसी संख्या को 18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बट उसने क्या करा, उस संख्या को 22 से मल्टीप्लाई करना, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 40 अधिक आया, 40 अधिक आया। तो संख्या क्या, अब देखो 18 बार लेना था उसने, 22 बार ले लिया, 4 बार ज्यादा ले लिया, 4 बार ज्यादा ले लिया, तो आंसर है 40, 40 को 4 से डिवाइड, दैट विल बी 10, तो मूल संख्या क्या होगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको अभी मैं एक्स नहीं लिखूंगा, अभी मैं कहूंगा भाई 18 बार लेना था, गलती से 22 बार ले लिया, कितनी बार ज्यादा ले लिया, 4 बार ज्यादा ले लिया उस संख्या को, 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स की वैल्यू क्या आ गई, 40, तो मूल संख्या क्या होगी, 40 विल बी डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी 10, तो मूल संख्या आ जाती है हमारे पास 10, समझ रहे बात। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखते देखते आंसर निकलना चाहिए, ठीक है, जब तो सीखने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है, समझ रहे बात। ठीक है, चलिए मैं इसको क्वेश्चन को हटाता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा विराम देके आपको बोर्ड पे ही देखना है और तुरंत आंसर बताने की कोशिश करनी है, समझ रहे बात। चलिए, कहता है किसी संख्या को, एक विद्यार्थी को कहा गया कि किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 52, देन ही गॉट ए आंसर 270 मोर देन द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी दैट नंबर, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। अब देखो जरा, 52
25 25 टाइम्स ले रहा था उसने, 52 टाइम्स ले लिया, तो कितने टाइम्स ज्यादा लिया, 27 टाइम्स ज्यादा लिया, 27 बार ज्यादा ले लिया है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 52 माइनस 25 ये आया बच्चों आपका 27, तो 27x की वैल्यू 270, द नंबर विल बी 10। संख्या क्या आती है, 10 आती है, आगे बात समझ में। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा, वहां लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आपने आंसर बताना है। एक संख्या, एक बच्चों को कहा गया किसी संख्या को 17 से गुणा करना है, उसने उस संख्या को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 64 अधिक आया, तो बताइए नंबर क्या है, देखिए जरा, सीधी सी बात है भाई, 17 बार लेना था, 25 बार ले लिया, इसका मतलब 8 बार ज्यादा ले लिया, 8x की वैल्यू है, तो x विल बी 64 विल बी डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी 8, तो संख्या आ गई 8, समझ रहे बात। ठीक है, अगला करते हैं, 58 टाइम्स लेना था, 65 टाइम्स ले लिया है, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 35 अधिक आया, तो बताइए संख्या कौन सी है, देखो कितनी बार ज्यादा लिया, 7 बार ज्यादा लिया, 7x की वैल्यू है, तो 1x की वैल्यू 5, तो संख्या क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, इसी तरह एक बड़ी फिगर लिख देता हूं, ये तो थोड़ा छोटा है क्वेश्चन, एक बड़ी फिगर लिख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है एक बच्चे को किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से उसने उस संख्या को 1, 2, 3, 6, 0 से मल्टीप्लाई, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 120 अधिक आया, 120 अधिक आया, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। अब देखो कितने बार लेना था, इतनी बार लेना था, आपने इतनी बार ले लिया, इसका मतलब 15 बार ज्यादा ले लिया, तो 15x की वैल्यू 120 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 इज द मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड, 15 थे 120, तो ये वो संख्या होगी, समझ रहे बात। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया हो। अभी क्या आता है, ये तो आया मूल संख्या क्या, कई बार पूछा जाता है कि राइट आंसर बताइए क्या। ठीक है, तो बताइए मूल संख्या आपने तो निकाल ली, राइट आंसर पूछ सकता है। ठीक है, कई बार पूछ सकता है मूल संख्या का 40% बताइए, 50% बताइए। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको आदत आता होगा, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, कहता है एक संख्या, किसी बच्चे को कहा गया किसी संख्या को 46 से मल्टीप्लाई करो, गलती से उसने 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 630 अधिक आया, तो बताइए सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो बताइए सही उत्तर क्या है, करके देखिए जरा। चलिए मैं करता हूं, अब देखो 46 टाइम लेना था, उसने 55 टाइम्स ले लिया, इसका मतलब कितनी बार ज्यादा लिया है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये आता है बच्चों 9। ठीक है, तो 9x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 633। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी वो संख्या क्या होगी, ये होगी 9 7 63 70। ठीक है, तो संख्या क्या आई, 70 आई, तो उसने बताया सही उत्तर बताइए क्या है, भाई मूल संख्या को बच्चों को कहा था 46 से गुणा कर दो, तो ये 4600 से 46 से मल्टीप्लाई करते हैं 46 से, तो आता ही हमारा 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 4 28, 28 और 3 32, 3220 जो है हमारा राइट आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को घर से करने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने आप रहते। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को कहा गया ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 79, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 85, देन ही गॉट ए रिजल्ट 300 मोर देन द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 125, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 137, दैट्स व्हाई ही गॉट ए रिजल्ट 480 मोर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, What will be the correct answer? तो आप किसने बताना है, अगर ये संख्या एक बच्चे को कहा गया 125 से गुणा करना था, उसने 137 से गुणा करा, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 480 अधिक आया, तो बताइए सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट,
जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।